नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बरसाती मौसम खत्म हो गया है और सर्दी के आगमन की तैयारी है। ऐसे में मौसम के करवट लेने से मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड वायरल जैसे अन्य बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं। CHC बराड़ा में बुखार से ग्रस्त लोग उपचार हेतु काफी संख्या में आ रहे हैं, जिससे OPD आम दिनों से ज्यादा हो गई है। इन दिनों में मच्छरों के कारण होने वाले डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बुखार के चलते अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों के कारण कई लोग की असावधानी, लापरवाही बरतने या अन्य कारणों से मौत हो जाती है। इन दिनों सरकारी अस्पतालों में फिर से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल के मरीज आने शुरू हो गए हैं। चिकित्सक लोगों से धैर्य, संयम बरतने के साथ साथ बचाव और सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। चिकित्सकों का मानना है कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। ऐसे में सभी लोगों के लिए इस मौसम के बचाव के लिए उपाय करते रहना आवश्यक है। जैसे डेंगू जैसी बीमारियों में तेजी से ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं, जिसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है। इस तरह के खतरे से बचे रहने के लिए मच्छरों से बचाव करना आवश्यक है। वहीं CHC बराड़ा के ASMO डॉक्टर बीरबल सिंह ने बताया कि बरसातों का सीजन खत्म होने से मच्छरों से होने वाली बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। डेंगू और बुखार के मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास 14 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने घरों के कूलर का पानी बदलते रहिए और अपने आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके आसपास कहीं पानी है तो उसमें तेल डाल दें ताकि मच्छरों का लार्वा फैल ना सके, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है। और उन्होंने बताया कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो अपना शरीर ढक कर निकले। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बाहर का ज़्यादा खाना खाने से बचें और लिक्विड पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सर, बराड़ा से किस प्रकार के आ रहे हैं? जैसा कि ये अभी बरसातों का सीजन खत्म हो गया था अभी, तो इसकी वजह से वेक्टर बोर्न डिजीज यानी कि जो मच्छर वगैरह हैं, इनसे होने वाली बीमारियां ज़्यादा आ रखी हैं। जैसे आजकल डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, वायरल फीवर के ज़्यादा पेशेंट आ रखे हैं। अभी हमारे पास 8 मरीज बराड़ा CHC में और 6 मरीज उगाड़ा के हमारे पास रजिस्टर्ड हैं इस टाइम डेंगू के, और सबको तुरंत जो भी इलाज की जरूरत होती है हमारे पास सारी फैसिलिटी है। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सावधानी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर मनाएं। घर में जहाँ भी पानी आपको खड़ा मिले, कूलर में, बाल्टी में, टायरों में या आसपास छोटे मोटे गड्ढों में, वो पानी को सारे को साथ के साथ डोल दें। और साथ में कोई प्लाट में पानी खड़ा है, साफ पानी खड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा 5-6 ml तेल जरूर डाल दें। कोई भी तेल हो, जैसे काला तेल हो, कोई भी कुकिंग ऑयल हो, कुछ भी हो, उसमें वो डाल दें। उससे क्या है कि मच्छर जितने भी होंगे, जिससे ये डेंगू होता है, एडिस टाइप मच्छर होता है, ये साफ पानी और खड़े पानी में ही होता है, बाकी दूषित पानी में ये नहीं होता है। और अगर हम तेल डाल देंगे उसके ऊपर, पतली इतनी पतली लेयर बन जाती है, वो सारे के सारे मच्छरों को पनपने से रोक देती है। नंबर एक। नंबर दो, जब भी घर से बाहर निकलें, बाजू और पैरों को खासकर ढक के रखें, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं या ये रोक भी नहीं पाते। और तीसरी चीज़, बाहर के खाने से, गंदगी के खाने से जितना हो सकता है बचें। घर का खाना का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, मौसमी वगैरह हैं, इसका ज़्यादा सेवन करें। ये 3-4 चीज़ों से हम अपने आप को और समाज को डेंगू के प्रकोप से बचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।